लेकर आ रही हूँ कैलाश पर्वत में एक वेज खाना खाने के लिए। और वेज लोगों को बराबर पता है कि यहाँ का खाना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इनका ऐसा कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट नहीं है, बहुत सारी जगहों पे इनके आउटलेट्स है। और आज जहाँ हम आए हैं ये है इनॉर्बिट मॉल वाशी में। तो जैसे हर जगह पे फूड कोर्ट में सेल्फ सर्विस होती है, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। तो चलते हैं कैलाश पर्वत में और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी वेजिटेरियन चीज़ें अच्छी मिलती है। आइए, 1952 से ये ब्रांड है कैलाश पर्वत। और यहाँ पे देखिए ये इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, टेम्पटिंग है, बहुत ही माउथ वाटरिंग है। स्पेशली जो इनकी चाट्स है ना, ये इनकी सिग्नेचर डिशेस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्लेटर भी है चाट का, राज कचौरी, दही वड़ा, पाव भाजी, कॉम्बो, सो मैनी डिशेज, अलग अलग तरह के पराठे भी आपको मिल जाएंगे, बेवरेजेस है। और ये देखिए, ये देखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग है, सो अपीलिंग। एंड चलिए चलते हैं, एक्चुअली मुझसे भी और रुका नहीं जा रहा है, चलते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। कैलाश पर्वत अपने चाट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर लोग खाना कुछ भी मेन कोर्स खाएं उसके पहले उसकी चाट्स ज़रूर खाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे चाट प्लेटर ले लिया है ताकि मुझे सारी चाट्स का मज़ा एक साथ मिले। तो इसमें इन्होंने दी है 3 पीसेज ऑफ दही पूरी, 3 पीसेज ऑफ सेव पूरी, 3 पीसेज ऑफ पानी पूरी एंड देयर्स वन भेलपूरी। तो चलिए जल्दी से पहले दही पूरी खाती हूँ, बिकॉज दही पूरी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चाट है। तो इस दही पूरी में जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा मिला, वो क्यों मैं आपको बताती हूँ। चटपटी तो चाट है ही, जैसी होनी चाहिए परफेक्ट एकदम, चटनीज बहुत ही बढ़िया, जो भी सेव वगैरह उसके अंदर डाला है, चिड़े, दही, फ्रेश, सब कुछ है। बट जो बेस्ट पार्ट है ना इसका, वो है इसकी जो खट्टी मीठी चटनी है ना, इमली वाली, गुड़ वाली, इतना बढ़िया स्वाद आ रहा है ना इस दही पूरी का, उस चटनी की वजह से मतलब प्रोमिनेंट है चटनी का फ्लेवर और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। सो नेक्स्ट लेट्स ट्राई द सेव पूरी। नाउ दिस इज इक्वली डिलीशियस। जब भी मैं चाट खाती हूँ ना, मैं लास्ट में एक्चुअली दही पूरी खाती हूँ। एक तो अगर थोड़ा बहुत तीखा ज़्यादा होगा तो उससे बैलेंस हो जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया खाने से कि मेरी जो फेवरेट चाट है वो दही पूरी है, बट ये सेव पूरी खाने के बाद में कैन डिसाइड दोनों में से बेटर क्या है। दोनों ही एक से बढ़कर एक है, चटनीज का कमाल तो है ही, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है एकदम फ्रेश एंड क्रंची है, जो पूरी है इसकी वो भी एकदम क्रंची है, सेव बहुत ही अच्छी लग रही है, चने की दाल डाली हुई है, आलू डाला हुआ है, तो सारा कॉम्बिनेशन इज सुपर्ब एंड दिस इज रियली रियली फ्लेवरफुल। तो नेक्स्ट है ये पानी पूरी और इसमें आलू डाला हुआ है, बॉईल किया हुआ, बूंदी भी डाली हुई है। तो यूजुअली जो सिंधी पानी पूरी होती है बूंदी होती है उसमें, और वैसे तो स्प्राउट्स वगैरह भी काफ़ी सारे होते हैं। ये जो मीठी चटनी है ये अलग से दी हुई है, और ये जलजीरा वाला जो पानी होता है पानी पूरी वाला, इसमें भी बूंदी डाल के अलग से दिया है। सारा कमाल, चटनीज एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, सुपर्ब। चिल्ड पानी पूरी जैसे कि सिंधी पानी पूरी होती है बिल्कुल वैसे ही, और ये जो पानी है ना इसका, इसका भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, परफेक्ट एक्चुअली। पुदीना और जो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले इसमें, स्पाइस वाले पाउडर्स, सुपर्ब कॉम्बिनेशन। सो इसके बाद में ये है भेलपूरी। सो इसमें ऊपर ये मुझे फाइनली चॉप की हुई कैरी दिखाई दे रही है, सेब तो है ही बारीक वाले, कुरमुरे हैं, चटनीज का ब्लेंड है, और ये फाइनली चॉप किया हुआ अनियन भी मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। इसमें भी बॉईल किया हुआ आलू डाला है। और मैं यूजुअली क्या करती हूँ ना, कोई भी चाट होती है ना, पानी पूरी हो या दही पूरी हो, थोड़ा सा ना मीठा ज़्यादा डलवाती हूँ, तीखा मीठा तो लेती हूँ बट लास्ट में ना मीठा ऊपर से डलवाती हूँ, चाहे दही वड़ा ही क्यों ना हो, हालांकि मुझे दही वड़ा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसमें भी एक्चुअली डाल दिया है मैंने अभी मीठी चटनी, बट रिक्वायर्ड नहीं है, यू नो, इतना परफेक्ट बैलेंस है इस चाट प्लेटर का। तो कैलाश पर्वत की जो सिग्नेचर डिश है, और जितनी चाट्स फेमस है उतनी ही ये भी फेमस है, वो है छोले भटूरे। लुक एट द साइज ऑफ दिस भटूरे, ओ माय गॉड, इतना बड़ा।
मुझे पता है मैं तो पूरा एक अकेली भी नहीं खा सकती हूँ, और छोले तो काफ़ी टेंटिंग है, मतलब बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और अभी फ़िलहाल इनके पास ऑफ़र चल रहा है, जो छोले भटूरे है इसको इन्होंने कॉम्बो बनाया हुआ है सेम प्राइस में फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, तो जिसमें आपको छाछ एंड गुलाब जामुन कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, तो इसके लिए मैंने ये भी ले लिया है। यहाँ पे इनॉर्बिट मॉल में अगर आप ये स्कैन करके ऑर्डर करते हो ना, तो आपको आपके टेबल पर भी फूड डिलीवर हो जाता है। तो चलिए छोले भटूरे खाते हैं। बड़ा ही फ्लफी और फूला हुआ भटूरा है, छोले भी एकदम कलर देखिए इतना बढ़िया, एंड गरम गरम छोले हैं, प्रॉपरली कुक्ड, बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। अमेजिंग टेस्ट ऑफ छोले, हल्का सा स्पाइसी है, चटाकेदार, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है बट फुल ऑफ फ्लेवर्स। साथ में ये अनियंस दिए हैं जो छोले के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, नींबू का अचार भी है। आई एम एंजॉइंग दिस छोले भटूरे का कॉम्बो, अचार भी बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली कांदे के ऊपर ना नींबू निचोड़ के बहुत ही अच्छा लगता है, आप किसी भी खाने में मेन कोर्स के साथ में खा लो इसको, मुझे ऐसा बहुत ही पसंद है। सो और थोड़ा दो तीन बाइट्स लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट डिश के बारे में। मसाला छाछ है, काफ़ी सारा हरा धनिया डाला हुआ है, एंड स्पाइसेस बैलेंस्ड रनी है जैसे यूजुअली छाछ को होना चाहिए, और स्वीट में गुलाब जामुन भी खा के देखेंगे। सॉफ्ट गुलाब जामुन, अंदर तक मावा वाला टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है, एंड द स्वीट इज परफेक्ट। और इसके बाद में अगर आप जैन फूड खाते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन दिखा रही हूँ। सो ये है जैन प्लेटर, और इसमें ये सारे पकोड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो टू पीसेज ऑफ ब्रेड पकोड़ा, टू पीसेज ऑफ कश्मीरी रोल, सो क्या है ये कश्मीरी रोल आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, टू पीसेज ऑफ कोथम्बर वड़ी, एंड टू पीसेज ऑफ पनीर पकौड़ा, सो एट पीसेज इन ऑल अलॉन्ग विथ चटनी एंड टमाटो केचअप, प्राइसेज रुपीज़ 270। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी कश्मीरी रोल, कुछ अलग सुनाई दे रहा है, हर रेस्टोरेंट की अपनी अलग अलग रेसिपी होती है, तो कैलाश पर्वत में कश्मीरी रोल क्या है देखते हैं। तो ये ब्रेड से बना हुआ है, और ये ऊपर जो ब्रेड है काफ़ी क्रिस्पी, इसका जो आउटर टच पे पता चल रहा है, जो आउटर लेयर है वो, बहुत हल्का सा टमाटो केचप लगाऊंगी मैं इसको, चीज़ी है, चाट मसाला स्प्रिंकल किया हुआ है इसके ऊपर, कैप्सिकम का फ्लेवर आ रहा है इसमें, और हल्का सा इसमें टमाटो भी दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं इसमें, फिर भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, सो नाइस ऑप्शन फॉर जेंट्स। अगर आप चाहो तो आप इंडिविजुअली कश्मीरी रोल भी ले सकते हो। एंड नेक्स्ट इज दिस पनीर पकौड़ा, थोड़ा सा इसको ग्रीन चटनी के साथ में ट्राई करूंगी, बिकॉज पनीर पकौड़ा अंदर से थोड़ा सा ब्लैंड लगता है मुझे। और चटपटा बना है, चाट मसाला का फ्लेवर आ रहा है, रेड चिली पाउडर का आ रहा है, पनीर सॉफ्ट है, फ्रेश है। नेक्स्ट इज दिस कोथम्बर वड़ी, कोथम्बर वड़ी का जो लुक है, ये जो ट्रेडिशनल कोथम्बर वड़ी होती है इससे थोड़ा सा अलग है, ये देखने में काफ़ी क्रंची पता चल रहा है, सॉफ्ट दिखाई दे रही है मुझे इसके अंदर, एंड आई कैन सी लॉट्स ऑफ हरा धनिया विच इज अ गुड थिंग। ग्रीन चटनी में दही डाला हुआ है, हल्की सी खटास है उसमें दही की, कोथम्बर वड़ी, जीरा है इसमें, बेसन के साथ में कोथिंबीर का प्रपोर्शन इज रियली गुड, बिकॉज बहुत सारी कोथिंबीर यानी कि हरा धनिया डाला हुआ है, लाइटली फ्राई किया हुआ है, ऊपर का जो कवर है ये क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट है। सो ब्रेड पकौड़ा देख के आई एम रियली एक्साइटेड, इसके अंदर ये टमाटो केचप एंड ये ग्रीन चटनी दोनों ही डाला हुआ है, घर पे हम बनाते हैं क्योंकि मेरी मम्मी से ये रेसिपी मैंने पिकअप की और सबको बहुत पसंद आता है, तो टमाटो केचप एंड चटनी का टेस्ट तो इसमें आता ही है, बेसन का बहुत अच्छा सॉफ्ट बैटर बना है इसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, थोड़ा सा इसको चटनी और सॉस और लगाती हूँ। अच्छा मैं पाव भाजी लेने वाली नहीं थी, हालांकि पाव भाजी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो खुशबू आ रही है मुँह में पानी भी बहुत आ रहा है, लिटरली मेरे मुँह में पानी आ रहा है, तो मुझे इन्होंने रेकमेंड किया कि हमारे यहाँ की पाव भाजी बहुत अच्छी है, तो आप वो भी ज़रूर ट्राई करो, इसके लिए मैंने ले ली है। सो मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है, ऊपर बहुत सारा कांदा डाल दो चॉप किया हुआ, नींबू निचोड़ो,
एंड इसमें जो बटर है ना, वाओ, पाव भी काफ़ी सॉफ्ट है, बटर जो लगा है मीडियम है, कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हल्की सी टैंगी है जैसी अच्छी लगती है। और जो भाजी की कंसिस्टेंसी है ना, पूरे एकदम नाइसली मैश्ड भाजी। तो कैलाश पर्वत पे मेरी सिग्नेचर डिशेस है, चाट से छोले भटूरे वो तो आपको दिखा दिया, पाव भाजी भी दिखा दी, बहुत सारे कॉम्बोज हैं इनके पास, तो वो यहाँ पे मेन्यू में। और उसके अलावा ना ये जो वेज कॉम्बोज है ना, कॉम्बो वन, कॉम्बो टू, दो सब्जियाँ, तीन सब्जियाँ, तो ऐसे मिलजुल के आपको कॉम्बोज मिलते हैं। सो आप किसी भी सब्जी का एक पोर्शन दो चपाती एंड छाछ के साथ भी ऑर्डर कर सकते हो, वो वाला ऑप्शन भी है, स्नैक्स भी है, थोड़े बहुत स्टार्टर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। सो इसके अलावा बिरयानी भी यहाँ पे मिलती है, सो टू टाइप्स ऑफ बिरयानी इन वन कॉम्बो, या वेज बिरयानी, ऐसे भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ है। और लस्सी है, कुछ बेवरेजेस है एंड स्वीट भी है। गुलाब जामुन तो हम ऑलरेडी खा चुके हैं, पर एक स्वीट और मैं लास्ट में खाऊंगी। तो पहले आपको ये वेज कॉम्बो दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ कॉम्बो वन और इसकी प्राइस है 370। इसमें आपको मिल जाती है एक दाल फ्राई और दो सब्जियां आपको मिल जाती है, दो स्पेशल चपाती, चपाती स्पेशल है बिकॉज इसमें घी लगाया हुआ है, देयर्स वन पापड़, छाछ का एक ग्लास है, एंड ये जो पुलाव टाइप राइस है, यू नो लाइक कलर वाइट है इसका, बट काफ़ी सारे वेजीज डाले हैं, जीरा डाला हुआ है। तो एक बाइट में लेती हूँ रोटी और सब्जी का। रोटी बहुत सॉफ्ट है और एक्चुअली थोड़ी सी मोटी भी है, साइज़ भी अच्छी खासी बड़ी है। तो पहले मैं ये जो आलू फ्राई दिया हुआ है इन्होंने सब्जी में, वो खाती हूँ। बॉयल्ड आलू की सब्जी है, जीरा, हरा धनिया एंड थोड़े से सूखे मसाले है बस, बहुत ही सिंपल सब्जी है बट टेस्ट अच्छा है। पापड़ भी दिया हुआ है और ये अचार, हरी मिर्च, कांदा और नींबू जो छोले भटूरे में दिया हुआ था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। सो और एक बाइट लेते हैं ये पनीर की सब्जी के साथ। कैप्सिकम डाला हुआ है, टमेटोज डाले हुए हैं और जो अनियन है ना उसका टेक्सचर रॉ है, तो थिक मसाले वाली सब्जी है, बहुत ही यमी है। दाल एंड पुलाव टेस्ट करेंगे। वाव, सिंपल दाल फ्राई विद पुलाव, रियली 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 गुड। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले हुए हैं, ये कॉलीफ्लावर दिखाई दे रहा है, हरी मटर दिखाई दे रही है, बीन्स है, गाजर है एंड बहुत सारा जीरा है, हरा धनिया है। सो जो लुक है काफ़ी बढ़िया है, बहुत अपीलिंग है। एक्चुअली कैलाश पर्वत के ना बहुत सारे आउटलेट्स हैं, मुंबई में भी है और उसके बाहर भी है, तो अगर आपको किसी भी आउटलेट में जाना है इनके, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो कैलाश पर्वत नियर मी, तो आपको आपकी नियरेस्ट लोकेशन मिल जाएगी। और इनका जो खाना होता है ना, ये थोड़ा सा सिंधी फ्लेवर, सिंधी टेस्ट वाला खाना होता है। मैंने और भी सिंधी फूड के वीडियोज़ बनाए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो आप YouTube के सर्च में टाइप कीजिए एक्सप्लोर वे तलका उल्हास नगर, तो आपको काफ़ी सारा सिंधी फूड दिख जाएगा, या एक्सप्लोर वे तलका सिंधी फूड तो भी आपको मिल जाएगा। और इनका जो मेन्यू होता है ना कैलाश पर्वत का, ये हर आउटलेट स्पेसिफिक होता है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सिर्फ उसी आउटलेट में इनके मिलेंगी। तो एंड इट ऑन अ स्वीट नोट, वैसे तो हमने गुलाब जामुन ऑलरेडी खा लिया है, बट फिर भी ये मलाई रबड़ी देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई, बहुत ही बढ़िया रबड़ी है, लेकिन थोड़ी सी स्वीटर साइड पे बादाम के फ्लेक से गार्निश किया हुआ है। टोटली एंजॉयड द फूड ओवरऑल। सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे आज के वीडियो में लगी है, जो भी मैंने खाई, चाट प्लेटर वॉज अमेजिंग, सुपर्ब, यू नो, वर्थ एवरी पेनी। उसके बाद में छोले भटूरे वॉज अ डिलाइट, यू नो, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे पता था कैलाश पर्वत के छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, कई बार खाए भी हैं, बट आज मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एंड देन दिस वेज कॉम्बो भी बहुत ही बढ़िया था। आपने अगर ये सब चीज़ों को पसंद किया देखना, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए सबसे अच्छी डिश आज के वीडियो में आपको कौन सी लगी है, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो, एंजॉय करो।